नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और मैं विशाल आज लेकर आया हूँ फिर से नई जानकारी। जानकारी ये है दोस्तों कि जर्मनी ने अपना पहला हाइड्रोजन पावर ट्रेन, ठीक है, हाइड्रोजन पावर ट्रेन जो वर्ल्ड का सबसे पहला होगा, और ये हाइड्रोजन पावर ट्रेन जो है जर्मनी ने इसको लॉन्च किया है, इसका पहला फ्लीट निकाला है। बिल्कुल एक नहीं, मतलब बिल्कुल बहुत सारी ट्रेन है और जो हाइड्रोजन के द्वारा पावर्ड है ये ट्रेन है। इन ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एमिशन फ्री है, किसी तरह का कोई भी एमिशन नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल जो एनवायरमेंट के लिए सस्टेनेबल होगा ये ट्रेन। और ये ट्रेन 140 किलोमीटर पर आवर तक की गति से जा सकती हैं और लगभग 1000 किलोमीटर चल सकती हैं, जब तक कि आपका जो टैंक है वो एम्प्टी ना हो जाए दोस्तों, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि ये हाइड्रोजन फ्यूल जो है ये है क्या, हाइड्रोजन पावर्ड सेल्स है क्या। दोस्तों हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो होता है, सबसे पहली बात है उनके कुछ कुछ फायदे हैं। फायदे में क्या है, सबसे पहले वो क्लीन होते हैं, यानी कोई भी एमिशन नहीं होता दोस्तों, और एनवायरमेंट के लिए, हमारे पृथ्वी के लिए, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए ये काफी यूजर फ्रेंडली है और इससे कोई नुकसान नहीं होता है, यानी जीरो कार्बन एमिशन ये ऐसा है। दूसरी बात, ये रिलायबल है, रिलायबल है यानी ये भरोसे लायक है, इन पे भरोसा किया जा सकता है और ये लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल है। और आने वाला दौर में जब हम लोग क्लीन एनर्जी की ओर बढ़ रहे हैं तो उसमें हाइड्रोजन एक अच्छा अल्टरनेटिव ऑप्शन बन के रिलीज हो रहा है। उसके बाद ये क्वाइट है, यानी जब ये ऑपरेट करते हैं तो किसी किस्म की कोई भी आवाज नहीं होती, यानी शांत है, यानी साउंड पोल्यूशन भी नहीं होगा दोस्तों। और उसके बाद ये इफिशियंट सोर्स है, काफी इफिशियंट सोर्स है ये किस चीज के लिए, ये हाई क्वालिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हम लोग बनाने जा रहे हैं या इलेक्ट्रिक पावर जो हम लोग जनरेट करते हैं उसमें भी ये काफी मदद करते हैं हमारी। उसके बाद हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल अगर हम देखें ना, तो वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस बनाते हैं जिसके थ्रू आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और उसको वाटर एंड हीट के साथ मिलके, जो वाटर एंड हीट है सिर्फ वही उसका बाई प्रोडक्ट है, ठीक है, मतलब और किसी भी तरह का कोई एमिशन नहीं है, सिर्फ वाटर और हीट यानी पानी और गर्मी यही बस निकलती है, इससे ज्यादा और कोई भी उससे नुकसान नहीं है हमारा, और वाटर और हीट के निकलने से कोई खास नुकसान नहीं होता, तो इसीलिए ये यूजर फ्रेंडली भी है और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। उसके बाद हाइड्रोजन जो है ये धरती पे सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट्स में आता है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है और ये क्लीनर अल्टरनेटिव फ्यूल ऑप्शन है हमारे लिए, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी, ऐसी ही ज्यादा जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।